तो YouTube प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। ये न्यू टेस्ट के ऊपर टैप करके इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको करना क्या, आपको यहाँ से ऊपर में प्लस आइकन दिख रहा है, सिंपली से आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ से पहले फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको फ्रॉम गैलरी के ऊपर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर जो फोटो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उनका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपको इस वाला फ़ोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसका साइज़ में थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, 1x1 कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ से डन कर देना। डन करने के बाद कार्सिक को कोने में पकड़ के आपको इसको बड़ा कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ ठीक उसी तरीके से आपको बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद कुछ इस तरह का आपको सेट कर देना है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ से लगा लेना है। लगा लेने के बाद इसका आपको कलर ब्लैक रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या है ना, थर्ड वाला ऑप्शन पर जाना है। आपको नीचे थर्ड वाला फोर्थ वाला ऑप्शन पर जाने के बाद आपको कलर से मिल जाएगा, तो सिंपली से कलर को आपको यहाँ से ब्लैक कर देना है, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ ब्लैक, तो सिंपली से आपको यहाँ से ब्लैक करके ओके पे कर देना क्लिक, और यहाँ इसके ऊपर डन कर देना, ठीक है। इसके बाद आपको थर्ड वाला ऑप्शन पर जाना है। थर्ड वाला ऑप्शन पर जाने के बाद नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको ओपेसिटी का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली से आपको ओपेसिटी को यहाँ से कमा देना है, ठीक है। जैसे कि 40 के आसपास रखना है, कुछ इस तरह का 40 रख देना है आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको डन कर देना है। डन करने के बाद इसके बाद आपको टेक्स्ट लगाना है। टेक्स्ट के लिए आपको टेक्स्ट वाला ऑप्शन पर टैप करना, टेक्स्ट वाला ऑप्शन पर न्यू टेक्स्ट के ऊपर टैप करना। यहाँ पर आपका चैनल का जो भी फर्स्ट लेटर है वो यहाँ पर इंटर कर देना। जैसे कि मैं यहाँ से मेरा फर्स्ट लेटर जो है टेक्निकल कोचिंग में सबसे फर्स्ट लेटर टी लिख देता हूँ। इसके बाद डन कर देना। डन करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा आपको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। इसको साइज़ पे इंक्रीज़ करना है तो नीचे स्क्रॉल कर लेना, यहाँ पर आपको साइज़ मिल जाएगा। सिंपली से साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना। यहाँ पर मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ साइज़ को, ठीक है। आपके हिसाब से वो साइज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से मेरा जो साइज़ है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको एक बार मिडिल में आपको रखना है, ठीक है। रखने के बाद इसको आपको डन कर देना है। इसके बाद आपको फॉन्ट लगा लेना है, तो नीचे स्क्रॉल करके आपको फॉन्ट पे ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको फॉन्ट मिल जाएगा, तो सिंपली से आपको फॉन्ट के ऊपर प्रेस करना है। फॉन्ट के ऊपर प्रेस करने के बाद माई फॉन्ट्स के ऊपर जाना है, और ये फॉन्ट का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। सिंपली से मैं इस फॉन्ट के ऊपर टैप करके ओके पे टैप कर दूंगा। टैप करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा और इंक्रीज़ कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। कार्सर को पकड़ के उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं आप लोग भी। तो इसके बाद आपको मिडिल में रखना है। मिडिल में रखने के बाद इसको आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ सिंपली से आपको उसी तरीके से आपको उसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर चैनल का जो सेकंड लेटर है वो यहाँ पर इंटर कर देना है। जैसे कि मैं ऐसे के लिख देता हूँ, के लिखने के बाद डन कर देना। डन करने के बाद इसको आपको पकड़ के, कार्सर को पकड़ के आपको यहाँ से सही तरीके से बैठा देना है। जैसे कि मैं यहाँ से सही तरीके से बैठा दे रहा हूँ, आपको उसी तरीके से यहाँ पर साइज़ को मेंटेनेंस करना है कार्सर को पकड़ के, ठीक है। जैसे हो गया, इसके बाद आपको राउंड वाला सर्कल लगाना है। राउंड वाला सर्कल लगाने के लिए आपको सिंपली सा टेक्स्ट के ऊपर टैप करना। यहाँ पर आपको शेप्स बुल का ऑप्शन मिलेगा, आपको शेप्स के ऊपर जाना। थर्ड वाला ऑप्शन पे जाकर आपको शेप्स मिल जाएगा, उस पर जाना। जाने के बाद यहाँ पर एक एरो का निशान दिख रहा है, इस पर टैप करना। यहाँ पर राउंड सर्कल को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑपोसिटी जो है इसका ऑपोसिटी को जीरो कर देना। इसे जीरो करने के बाद नीचे स्क्रॉल कर लेना। इसका स्ट्रोक भी आप बड़ा कमा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोक वेथ लिखा होगा तो सिंपली से आपको 15 तक रखना है। तो 15 तक रखने के बाद इसका कलर जो है आपको सिंपली सा वाइट कर देना है, ठीक है। आपको नीचे मिल जाएगा कलर, प्लस वाला आइकन पर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ से वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना। वाइट कलर जैसे सिलेक्ट करते हो, इसके बाद आपको ओके पे टैप करके आपको टिक लगा देना है, ठीक है। लगाने के बाद इसकी ये जो राउंड सर्कल है इसको आप मिडिल में रखना है, ठीक है। ये जो राउंड सर्कल है इसको आप पकड़ के यहाँ से बड़ा कमा सा कर सकते हैं, ठीक है। इसका साइज़ भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसको पकड़ के आपको मिडिल में आपको रखना है, ठीक है। मिडिल में रखने के बाद आपको इसको यहाँ पर लॉक कर देना है, मतलब एक साथ ही हो जाएगा। इसको आपको एक साथ करना है, इसके ऊपर टैप करना है। टैपने के बाद आपको यहाँ से आपका जो भी टेक्स्ट है और इमेजेस को है वो यहाँ से लॉक कर देना। नीचे आपको टैप करके आपको यहाँ से ओके पे टैप कर देना। जैसे ओके पे टैप कर दो, ये एक साथ ही हो जाएगा। मतलब ये पहले अलग अलग था, लेकिन अब एक साथ ही हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको एक फ़ोटो ऐड करना है, जिनके लिंक भी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। यहाँ पर आपको टेक्स्चर बोल के ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली से आपको टेक्स्चर के ऊपर जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ से एक फ़ोटो ऑप्शन मिलेगा, सिंपली से फ़ोटो के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद नीचे आपको एक फ़ोटो मिलेगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, उसे डाउनलोड कर लेना। ये वाला फ़ोटो को यहाँ से आपको टिक कर देना। जैसे ही कर लेते हो, इसके ऊपर बैठ गया फ़ोटो, ठीक है, अच्छी तरीके से लग रहा है। आपको इसका कलर चेंज करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, थर्ड वाला ऑप्शन पे जाना है, नीचे स्क्रॉल कर लेना। यहाँ पर शेप्स बुल के शेडो बुल का ऑप्शन मिलेगा, इसको इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद
यहाँ पर ब्लर रेडियस जो है इसको थोड़ा कम कर लेना, ठीक है, आपके हिसाब से रखना चाहिए तो रख लेना। इसका कलर आप चेंज करना चाहते हो तो प्लस वाला आइकन पर टैप करके यहाँ से ये लोगों को सिलेक्ट करके आपको ओपी की टैप कर देना। जैसे कर तो ये कलर कुछ ऐसा हो गया, ये ब्लर रेडिक्शन जो आप कड़ा कमा और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से 10 कर लेता हूँ। करने के बाद ऐसा टिक कर देना, टिक करने के बाद और थोड़ा इंक्रीज कर लेते हम यहाँ से 15 तक रख लेते हैं। रखने के बाद आपको टिक कर देना, टिक करने के बाद आपको इनर शेडो मिलेगा, सिंपली से इनर शेडो पे इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद ब्लर रेडियस जो है इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ से थोड़ा इंक्रीज करने के बाद आपको यहाँ से डन कर देना, ठीक है। तो ऊपर में टिक वाला बटन देख रहे हैं, सिंपली से टिक करके आपको यहाँ से डन कर देना। डन कर आपका जो लोगो हो ये बन के पूरा रेडी हो चुका है, ठीक है। आपको सेव करना है, सेव करने के लिए शेयर वाला बटन दिख रहा है ऊपर में, आपको सिंपली से शेयर वाला बटन के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर JPG फॉर्मेट होगा, तो आपको सिंपली से PNG करना है। PNG करने के बाद नीचे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मिलेगा, सिंपली से आपको डिफ़ॉल्ट पे टैप करना और यहाँ पर अल्ट्रा पे सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आपका फ़ोटो यहाँ से सेव कर लेना। ऊपर सेव टू गैलरी लिखा होगा, तो सिंपली से इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद आपका जो फ़ोटो है वो गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मेरा सेविंग हो रहा है, तो आपको भी सेविंग्स हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सेव हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को कैसा लगे वीडियो पर एक लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह एडिटिंग टेक्निकल वीडियो मेरे चैनल पर हर एक दिन आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।